अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कन्फर्मेशन है इसके हवाले से, स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जिनका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो उनका हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है ना वो कन्फर्म होने में देर हो जाती है या कन्फर्म नहीं हो पाता, तो इस वजह से स्टूडेंट्स थोड़े से ना टेंशन का शिकार होते हैं। तो वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारा एडमिशन कन्फर्म होता है या नहीं होता, या कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगता। अगर एडमिशन कन्फर्म नहीं होता तो आपने क्या करना है, अगर ऑब्जेक्शन के हवाले से सारी वीडियो की जो डिटेल्स हैं इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा, तो बजाय एक एक जवाब देने के मैंने कहा कि इसके पे एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो आपने वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में आपके पास नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दें ताकि ये मालूमात आपके तवज्जो से दूसरों तक भी पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि एडमिशन कन्फर्म नहीं होता तो क्या करें और किस तरह एडमिशन कन्फर्म करें। तो सबसे पहली बात यह है, एडमिशन कन्फर्म करने के आपके पास जो तरीके हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका यह है कि आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है, जैसे ही आपका एडमिशन कन्फर्म होता है वहाँ पर आपको एक टेक्स्ट मौसूल होता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आपको टेक्स्ट मौसूल नहीं होता, बाज़ दफ़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है या सेल ऑन ऑफ होता है या सिम आपकी जो है ना किसी दूसरे नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट होती है, अगर यू है तो जैज़ में कन्वर्ट है, जैज़ है तो टेलीनार में कन्वर्ट है, इस तरह जब होता है तो मैसेज मिसप्लेस हो सकता है, इसके भी चांसेस होते हैं। तो अगर आपको मैसेज नहीं मिलता तो इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ। अगर मैसेज नहीं मिलता तो आपके पास अपना जो चालान आपने बैंक में पे किया होता है, आपका चालान नंबर जो होता है, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वहाँ पर आप चालान के थ्रू अपना एडमिशन कन्फर्म करें। ये नहीं है कि अगर आपका मैसेज नहीं आया तो आप ये समझें कि आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं है, आपका सेमेस्टर ज़ाया हो गया, ड्यूज़ वगैरह भी ज़ाया हो गए, इस तरह कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में होते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये मैसेज के बाज़ अवकात नहीं मिलते तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेबसाइट पे जाके अपना चालान से एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने चालान नंबर आपने पुट किया, आपका एडमिशन जो है ना वो कन्फर्म नहीं हो रहा, तो आपने करना क्या है, आपने ऑब्जेक्शन लिस्ट में जो नेम्स हैं डाटा है वो भी आपने चेक करना है कि हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स आपके भेजते हुए मिसप्लेस हो गए हों या यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पर कुछ मिसप्लेसिंग हो गई हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्शन में आपका नाम आया हुआ। हाँ, दूसरी चीज़, अगर ऑब्जेक्शन में भी नाम नहीं है और आपका एडमिशन कन्फर्म भी नहीं है तब आपके लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपका ये सूरत हाल में आप इसमें क्या कर सकते हैं। उसके लिए होता यह है कि आप हेल्प डेस्क को इन्फॉर्म कर सकते हैं एप्लीकेशन दे के कि सर चालान की फ़ोटो कापी लगाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम लगाएंगे जो आपने एडमिशन भेजते वक्त लगाए थे, उनमें फार्म फ़ोटो चालान वगैरह सारा कुछ वो लगा के आप उनको हेल्प डेस्क पे, वो उसका नॉर्मली जवाब हेल्प डेस्क से आपको दो चार दिन में मिल जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से जवाब नहीं मिल पाता और वो कोई कन्फर्म जवाब उसको हम तसव्वुर भी नहीं करते। तो जो असल तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। एप्लीकेशन आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एक फॉर्म निकल आता है कंप्लेंट फार्म, आपने उसमें अपना नाम, वालिद साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है, रोल नंबर आपके पास है तो अगर ये चीज़ें नहीं है तो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो आप फिल करेंगे, अपनी पिक लगाएंगे, चालान का फ़ोटो कापी एक चालान की लगा देंगे। उसके बाद आपने ये फार्म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रांच को भेज देना है थ्रू कोरियर। उसमें करना क्या है, उसने आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, आपने अपना एड्रेस लिखना है, तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने उसको यूनिवर्सिटी की तरफ भेज देना है। तो उसके बाद करना क्या, आपने तकरीबन 10 से 15 दिन वेट करना है, तो आपको या तो मैसेज से रिप्लाई दे दिया जाएगा या आपको डाक के ज़रिए रिप्लाई दे दिया जाएगा, या और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कोई आपको रिप्लाई नहीं मिलता लेकिन आपका
एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा अगर एडमिशन कन्फर्म होने की ये भी वजह होती है कि एडमिशन जब कन्फर्म होते हैं थ्रू प्रोसेस होते हैं, एकदम से सारा डाटा अपडेट नहीं कर दिया जाता। अगर आप दो दोस्त हैं या दो लोग हैं, आपने इकट्ठे एक साथ ही एडमिशन भेजा, तो एक दोस्त का एडमिशन कन्फर्म हो गया, एक का नहीं हुआ, तो इसमें भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ, मैं दरख्वास्त दूँ क्या करूँ। उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसका एडमिशन कन्फर्म हो और आपका अंडर प्रोसेस हो, तो अंडर प्रोसेस होने के लिए भी आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ना हो तो फिर आपने एप्लीकेशन देनी है। दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर कर दें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।